केजी की वजह क्या करोगे आप, 44 केजी ही यूज कर लो या 3 केजी में ही काम चला लो, क्योंकि काफी कॉस्टली हो गया। तो आप क्या करोगे, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा, उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा कंजप्शन डिक्रीज कर दो। जहाँ 5 केजी चाहिए था वहां पे आपने 3 केजी कर दिया, तो समथिंग यहाँ पे भी वही किया हुआ है। जब शुगर का कॉस्ट इंक्रीज हो गया है तो कंजप्शन कितना है, 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो, तो कॉस्ट कितना हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कंजप्शन जो होता है क्या होता है, 20% डिक्रीज हो रहा है, 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/4 होगा ना। दैट मीन्स यहां से कंजप्शन हम लोग तो क्या हो रहा है, 1/5। दैट मीन इनिशियल और फाइनल की अगर पहले 4 था तो कंजप्शन, सॉरी कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट की बात, अगर पहले 4 था तो अब ये कितना हो जा रहा है, पहले अगर 4 था तो अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अगर पहले 4 था तो अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। कंजप्शन जो है, कंजप्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज मतलब क्या, 1/5। अगर कंजप्शन पहले 5 था अब कितना हो गया, 4 हो गया। सर आपका स्क्रीन गया था क्या बीच में? नहीं तो सर, नहीं गया ना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, 1/5, 1/5 है। तो अगर इनिशियल वैल्यू अगर कंजप्शन का 5 थी तो फाइनल वैल्यू कितना आ गई, 4, क्योंकि कंजप्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इनिशियल वैल्यू 4 थी तो फाइनल वैल्यू कितना हो गई, 5 हो गई। ओके, तो अब फाइनली क्या निकालना है आपको, एक्सपेंडिचर क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर का इनिशियल और फाइनल वैल्यू बतानी है, कि इनिशियल वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल वैल्यू क्या आ रही है एक्सपेंडिचर की, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि चेंज आ रहा है या नहीं चेंज आ रहा है। तो देखो, अब एक्सपेंडिचर है क्या, कॉस्ट इनटू कंजप्शन, यानी इसका इनिशियल वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका फाइनल वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको आ जाएगा एक्सपेंडिचर। तो 4 5 जा कितना होता है, 20, 5 4 जा कितना होता है, 20, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 20:20 का रेशियो आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे चेंजिंग कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है, किस पे, 20 पे, इनटू क्या, 100। इसका मतलब 0% का चेंजिंग आ रहा है, दैट मीन्स नो चेंज आ रहा है, 0% का चेंज आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, यानी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी खर्चे जो थे वही हमारे खर्चे रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर? Yes, समझ में आया सभी को? हाँ स्टूडेंट, यस सर, ओके, ठीक है ना। देखो सब कुछ सेम चल रहा है, सिमिलर चल रहा है, बस चेंजिंग क्या हुआ है इसमें, कि हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन बस चेंज हो रहा है, बट जो मेथड है अप्लाई करने का, वो मेथड हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मेंसुरेशन भी क्वेश्चन में किया, कंजप्शन भी यही किया, कुछ आगे देखते हैं उसमें भी क्या यही अप्लाई होता है क्या, फिलहाल तो यहाँ देखते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इफ कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% and expenditure is increased by 15% and expenditure is increased by 15%, then find the percentage change in consumption. consumption में कितना percentage change होगा? ऑप्शन लिख लो आप लोग, 5%, बी है 4 1/6%, सी है 4.75%,
डी है 10%, ये ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, इस क्वेश्चन में देखो आप लोग कितना आ रहा है, आया क्या किसी का? सर 25/6 4 1/6 4 1/6 बी ऑप्शन आ रहा है। ओके 5% डिंपल जोशी 5%। बी निशी सेठी बी आ रहा है। निशी सेठी बी आ रहा है। चलो देखते हैं फिर, देखें इस क्वेश्चन को। 5% भी आ रहा है और 4 1/6 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ कॉस्ट ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%, इसका मतलब कॉस्ट जो है क्या होगा, कॉस्ट जो है हमारा कितना है 20%। 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन 1/5। ये 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 4 1/5 विमला का भी वही आ रहा है। ओके आई थिंक सही ही होगा। और 20% कितना आ रहा है, 1/5। इनिशियल और फाइनल की वैल्यू निकालो, अगर पहले रहा होगा 5, अब क्या हो गया होगा 6। पहले रहा होगा 5, अब हो गया होगा कितना 6। ये हमारा हो गया किसका, प्राइस की बात, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 15%। एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर जो है कितना कर रहा है, 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर एक्सपेंडिचर इनिशियल में 100 रहा होगा तो फाइनल कितना हो गया, 115 हो गया होगा क्या। अगर इनिशियल में 100 रहा होगा तो अब फाइनल बनेगा, जो फाइनल बनेगा वो कितना बनेगा, 115 बनेगा क्या। जो फाइनल बनेगा वो 15 बनेगा क्या। तो आपको फाइनल चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, कंजप्शन। कंजप्शन कंजप्शन होता क्या है, एक्सपेंडिचर अपन क्या होता है, कॉस्ट होता है। तो यहां से करें तो हमारा क्या होगा, 100/5 इस टू कितना हो जाएगा, 115/6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट है। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20% 20 आएगा, 20 इस टू कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो 19.166 आ रहा है, मतलब 167 आ जाएगा, 17 कर लेते हैं।
क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19.616666 आएगा, इसको हम लोग 17% लिख सकते हैं क्या, 17 लिख सकते हैं ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब यहां से देखा जाए ये कितने का चेंजिंग हुआ है, यहां से देखा जाए तो ये कितने का चेंजिंग हुआ है, 0.83 का हो रहा है क्या। यहां से देखा जाए 20 से 19.17 में कितने का चेंज हो रहा है, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं 0.83 का चेंजिंग हो रहा है क्या, किस पे चेंज हो रहा है 20 पे, कितना परसेंट 100 कर लो मल्टीप्लाई कर दो 5 आ जाएगा, तो यहां पे क्या कर लो 0.83 इंटू क्या कर लो 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 5 3 जा कितना होगा 15, 8 5 जा कितना 40 और 40 और कितना 41 हो गया 4.15। दैट मींस हाँ ये बी अप्रॉक्सीमेट बी वाले वैल्यू क्या ज्यादा सही है, ये वाली वैल्यू देखो सी वाली में क्या 4.7 है, यहाँ 4.1 आ रहा है, ये 4.1 में अगर 6 से डिवाइड करोगे, 1 में 6 से डिवाइड करोगे तो कितना का 0.16 आएगा, 0.16 यानी अप्रॉक्सीमेट ए वाली आंसर क्या ज्यादा सही है, ज्यादा क्लोज है 4.16%। क्लियर, क्वेश्चन सिंपल था, बस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें जस्ट क्या क्या था, प्रीवियस वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था इसमें क्या कर दिया था थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था। क्लियर सर, पिछले वाले मेथड से भी कर सकता था ना, मतलब 15% को 3/20 लेके। हाँ आप वैसे भी कर सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बहुत सारे हैं, बस प्रॉब्लम क्या होती है हमारी जो चेंजिंग होता है मेजोरिटी चेंजिंग होता है, हम कैलकुलेशन से भागते हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए जो करना चाहते हैं वो कर लें, बाकी तरीके आपके बहुत हैं। ओके सर, हाँ आपके पास तरीके बहुत हैं, बहुत सारे तरीके हैं करने का, हमें जो मेन इशू आता है हमें क्या होता है मेन जो हमारा स्ट्रेटजी होती है टारगेट होता है, और टारगेट ये ही होता है कि हम उसमें क्या कहें कि हम उसमें टाइम कम लें, टाइम का कंजप्शन कम हो, अगर टाइम का कंजप्शन ज्यादा होगा तो हम तो इस समय क्या होता है कि हमारा जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में क्या क्या चीजें होती है देखो, हाँ डिंपल जोशी आपका तो आ रहा है क्या, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर बीच बीच में, अभी सही है क्या? हाँ सर अभी सही है। ओके देखो उसमें वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, बोल सर अभी ब्रेक हो जा रही है लाइन, नेटवर्क तो सही है क्या, सबके साथ ऐसे इशू आ रहा है? सर प्रॉपर आ रहा है आपका, उनके नेट में इशू, मेरे को तो प्रॉपर आ रहा है, एक बार आप चेक कर लो आप लोग, मे बी आपके यहाँ भी इशू हो सकता है। अभी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे तो। ओके सर, तो हमारा क्या आता है कि किसी विलेज की बात करें, अगर 100 पीपल्स हैं उसमें जो कि एबव 18 इयर्स हो जाते हैं, जो कि एलिजिबल हो जाते हैं वोट देने के लिए, तो मान लो कुछ में 100% है, तो यानी 100% उसमें वोट है। लेकिन होता क्या है कि जब वोटिंग होती है तो क्या 100% टोटल वोट देते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग या तो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, या हो सकता है वो विलेज से बाहर गए हों, या विलेज में नहीं हो, कुछ विलेज में रह के भी वोट नहीं देते हैं। तो मान लो हमारी वोटिंग जो हुई कितने का हुई, 90% का, यानी 10% हमारी वोटिंग नहीं हुई, 10% वोटिंग नहीं हुई। अब ये 90% वोटिंग में भी क्या हमारा होता है कि 90% वोटिंग में हमारा ऐसा भी कंडीशन आता है कि सम वोटिंग
दिए जाते हैं, मतलब रद्द किए जाते हैं, या तो सही से प्रॉपर वोट डाला नहीं गया है, या तो ऐसा होता है कि आप क्या करते जाते हो, अगर यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे दो है, अब दोनों को टच करना चाहते हो तो दोनों को नहीं टच कर पाते हो, या ऐसा कर सकते हो कि एक नन वाला ऑप्शन होता है, एक क्या होता है नो वाला ऑप्शन, मतलब किसी को नहीं चूज करना चाहते हो, ए भी वाला ऑप्शन हो सकता है कि ए भी वाला, ए वाला ऑप्शन किसी के किसी में नहीं जाएगा, जो लूजर है या विनर है वो तो दोनों में से किसी के पास नहीं जाएगा, एक कंडीशन। जो डिक्लाइंड हो गया, जो वोट को डिक्लाइन कर दिया गया है, मतलब कि जो रद्द कर दिया जाएगा कि वोट अकाउंटिंग में नहीं काउंट किया जाएगा, वो भी वोट तो उनके बीच में नहीं जाएगा, न विनर के केस में जाएगा ना लूजर के पास जाएगा, दोनों में से किसी नहीं, ये दोनों केस में क्या होगा कि दोनों के पास वोट नहीं जाएंगे, यानी कुछ ऐसे परसेंटेज वोट पड़ते हैं उसमें कि जो न तो विनर को मिलते हैं न लूजर्स को मिलते हैं, या तो उनको डिक्लाइन कर दिया जाता है किसी रीजन से कि ये वोट मान्य नहीं होंगे, या तो ऐसे हो जाते हैं कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं कोई ये आके नो वाली बटन क्या आ जाते हैं जाके उस पे क्या अप्लाई करके आते हैं कि हमारे कोई नहीं चाहिए, मतलब कि आपका जो भी कैंडिडेट है वहाँ का उनमें से उनको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, वो क्या करते हैं नो वाली बटन देते हैं। इसमें से ऐसा अगर है तो समझ सपोज करो कि यानी 5% ऐसे भी है, 5% ऐसे भी है जो वोटिंग का काउंटिंग नहीं हुआ, दैट मीन कितना आ गया 85%। अब 85% क्या है, ओरिजिनल वोट है, मतलब जितना वोट के आपका पड़ा हुआ है, यानी जितने वोटिंग हुई है वो कितना हुआ है 85% हुआ है। अभी 85% में से कुछ गेन करेगा क्या लूजर, कुछ गेन करेगा क्या विनर, कुछ गेन करेगा कौन लूजर, कुछ गेन करेगा कौन सा विनर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि वोटिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, यानी इस तरह से टेबल बना लो या इस तरह से रो बना सकते हो कि इस तरह से हमारा क्या होता है अप्लाई होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन किसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, क्वेश्चन भी हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि कितने परसेंट लूजर पा रहा है, कितने परसेंट विनर पा रहा है, या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टोटल कितनी वेटिंग हुई वोटिंग हुई है, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये प्रोसेस होता है कि ऐसी ऐसी क्वेश्चन में ये चीज मिल सकती है आपको, ये जो जितना चीज मैंने बताया ना समझाया है ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। क्लियर क्लियर हुआ समझ में? इसके पहले वाला क्वेश्चन वो समझ में हेलो कौन सा इसके पहले वाला, मैं जरा नेट अटक रहा था ना इसलिए। कौन सा बोल रहे हो आप? वो शुगर का रोहित की शुगर का प्रीवियस वाला क्वेश्चन प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपने अशोक सर से कांटेक्ट करो तो रिकॉर्डिंग उन पर लेक्चर मिलेगा, वो आपको सेंड कर देंगे रिकॉर्डिंग लेक्चर, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन भी चेंज कर दिया है, क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन भी हो गया, सोल्यूशन भी डिलीट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हमारे आज के जो टॉपिक है ना टॉपिक है जो मतलब की जो क्या नाम है वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन है या कमीशन बेस्ड पे क्वेश्चन है, ये सारे थोड़ा हो नहीं पाएंगे, तो हम लोग इस पे कर लेते हैं, अगर टाइम बचता है मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है ना। मैं उस समय एक्सप्लेन कर दूंगा, आप क्वेश्चन बताना किस स्टेप पे आपको नहीं क्लियर हुआ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी क्या कर लेना जो हमारे रिक्वायरमेंट है ना वो क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें ताकि सारे लोगों का सॉल्व हो जाए, क्योंकि उस क्वेश्चन से काफी आगे आ गए हम लोग, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को आपको डिस्कशन करना होगा तो मीटिंग के बाद भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, मीटिंग एंड नहीं होगी आपकी। ओके तो इस पे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ये प्रोसेस अप्लाई हो गया समझ रहे हो, तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हो आप लोग। लिखो क्वेश्चन लिखो, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55%, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% वोट्स, candidate got 55% votes and owned by 650 votes,
and owned by 650 ores. Find out the total otters. Find out the total otters. Total otters. If no oath was declared invalid. If no oath was declared invalid. हो गया क्वेश्चन नोट? छोटा सा ही क्वेश्चन है, हो गया? हेलो सर, रिपीट. ओके. इन एन इलेक्शन a candidate got 55% votes and owned by 650 votes and owned by 650 votes. Find out the total voters. If no vote was declared invalid. ऑप्शन लिखना, आप लिख लो, आप लोग 6500, 7500, 7500, 5500, 7500, 7500. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि एक इलेक्शन में कोई एक कैंडिडेट है जो 55% वोट. ओके अश्रुम निशा, वेरी गुड, बहुत जल्दी इनका आंसर आया 6500, यानी काफी चीजें क्लियर हो रही हैं बहुत से. देखो क्या है, कोई कैंडिडेट है जो 55% वोट पाता है, ठीक है ना, और वो कितने से जीतता है, 650 वोट से क्या हो जाता है, वो जीत जाता है. तो बताना है कि टोटल वोट कितना पड़ा था और कितना वोट हुआ था टोटल, जिसमें कि आप बोला जा रहा है कि कोई भी वोट डिक्लाइन नहीं किया गया था, यानी रद्द कोई भी वोट नहीं किया गया था. एक बात बताओ, जो वोट पड़ा होगा विमला का भी 6500, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि कंसेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहा है, आप लोगों का आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना. तो देखो आपका वोट कितना हुआ हो रहा होगा, 100% वोटिंग जो हुई होगी वो 100% की वोटिंग हुई होगी. उसमें जो है एक विनर होगा, एक क्या होगा, लूजर होगा. ये लूजर है, ये मान लो विनर है. विनर ने कितना गेन किया है, 55%. विनर ने कितना गेन किया है, 55%. लूजर को तब कितना मिलेगा, 45%. अगर 55% विनर को मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, 45%. इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10% का. इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 10% का. आ ये जो दिया 650 ओर से वो जीत जाता है, इसका मतलब देखो क्या है, जो अर्जेंट वोट पाता है. और जो लूजर है, जो लूजर है वो कितना वेट पाएगा, 350 वेट वोट पा रहा है. तो हम ये बोल रहे हैं ये विनर का वोट है टोटल, ये लूजर का वेट वोट है. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि विनर कितने वोट से जीता है, तो क्या करोगे, इसका सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, इनका सब्ट्रैक्शन लोगे क्या, डिफरेंस लोगे क्या, इसका मतलब कितना गया, 650 वोट. दैट मीन्स विनर के बीच का जो विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस कितना है, 10%, और 10% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 650 दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, 650. तो 1% की वैल्यू कितनी होगी,
तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आपको निकालना क्या, ये 100% निकालना, ये 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 65,000 वोट आपका क्या हुआ था, पड़ा था। अब किसी स्टूडेंट को यही जैसे कैलकुलेशन करना है, क्या गया 10% की वैल्यू कितना 650, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 100 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। तो कितना हुआ था जो वोटिंग हुई थी, टोटल कितनी हुई थी 6500 की टोटल वोटिंग हुई थी। क्लियर, क्या सिंपल है? यस सर। क्लियर हुआ क्या? क्या स्टूडेंट हेलो वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस किसी को नहीं आ रही है? अब भी आने लगी। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हेलो स्टूडेंट। हाँ सर। हाँ अभी आ रही है क्या? ओके तो आप लोगों को ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। चलो जब क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल था। अभी आ रही है ना वॉइस? आप लोगों ने चैट में दिया है कि अभी वॉइस आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 10% ऑफ वोटर्स को, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। टेन परसेंट ऑफ वोटर्स डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट, did not cost their vote in an election between two candidates the winner candidate got 60% of valid voters, the winner candidate got 60% of the valid votes and owned by 900 votes and owned by 900 votes and owned by 900 votes. Find out
फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। हो गया क्वेश्चन नोट? क्वेश्चन नोट हो गया स्टूडेंट? यस सर। ऑप्शन नोट करना, नोट कर लो आप लोग। 5000, 4500, 4500, 6500, 6500, 6000, 6000। आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फाइव थाउजेंड, विमला का आया 5000, वेरी गुड। विमला का आया है 5000। और किसी का? अश्रुम निशा, ओके 5000। चलो आई थिंक आंसर स्टूडेंट का आना शुरू हो गया, तो हम लोग जिन लोगों का नहीं आंसर आया उसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, इसमें 10% वोट कॉस्ट नहीं किया गया, उसको अभी छोड़ते हैं, पीछे से चलते हैं, पीछे से चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक कैंडिडेट है जो 60% वोट पाता है, वैलिड वोट। तो वैलिड वोट मान लो कितना हुआ था, 100%। जो वैलिड वोट पड़ा था वो कितना पड़ा था, 100% वैलिड वोट था। हम वैलिड की बात कर रहे हैं, वैलिड मतलब क्या है, जो पड़ा था, जो वोटिंग हो गई थी। तो अगर 60% यहाँ पे क्या होगा, मोमन अंसारी आपका भी 5000, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो वैलिड वोटर है इसमें क्या होगा, अगर ये 100, एक होगा विनर एक और वाला लूजर। अब सर वॉइस ब्रेक हो रही है, अगर 1% का वोट पाया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, मेबी 4500 हो सकता है। विमला पटेल, क्यों आप परेशान हो रहे हो विमला, जो आपका है ना उस आंसर पर अगर टिके रहोगे तो ज्यादा अच्छे से आंसर रहेगा। आपका 5000 ही आंसर सही है, आप क्यों 45 पे जा रहे हो, ऑप्शन दोनों है आपके पास, आप 5000, आप कंफ्यूज हो गए आप। लेकिन रियलिटी में जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाओ। 60% वोट विनर ने पाया है, लूजर ने पाया है 40% वोट, दैट मीन डिफरेंस कितना का है, 20% का। ये डिफरेंस दिया हुआ कि वोटर कितने से जीतता है, ये डिफरेंस दिया हुआ है कि जो विनर है वो कितने से जीतता है, यानी 900 वोट से क्या हो जाता है, जीत जाता है। कितने 100 वोट से विन करता है, 900 वोट से। तो अगर 20% की वैल्यू इतना है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 20 से 100 जाने के लिए आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 900 से 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 45 कितना हो गया 5, यानी कि आपने 20 में 5 मल्टीप्लाई किया तो 100% हो गया। तो अगर 20% की वैल्यू 900 है तो 100% की वैल्यू कितना आ गई, 4500 आ गई। ये आपका आंसर, आपके क्वेश्चन कुछ और बोला था, क्वेश्चन में और क्या बोला था, 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट्स, डिड नॉट कॉस्ट। अब वो बोला टोटल वोट कितना हुआ, टोटल वोट पूछा है, ये नहीं पूछा वो कितने वैलिड टोटल वोट्स थे। अगर वैलिड टोटल वोट्स पूछता तो आंसर राइट हो जाता, लेकिन उसने बोला कि टोटल वोट बताओ, तो टोटल वोट में से 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं है,
इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है 10% का मतलब कितना है 1/10, यानी अगर इनिशियल वैल्यू 10 ना होगा तो 9, इसका मतलब है कि 9 लोगों ने वोट दिया, 10 लोगों ने एक आदमी ने वोट नहीं दिया। इसमें से कितने ने वोट नहीं दिया, एक आदमी ने वोट नहीं दिया, 10 ने दिया। आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, इस 10 की वैल्यू पूछ रहा है और 9 ने वोट दिया हुआ है, तो 9 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 45, 4500, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। आपको कितने की वैल्यू बताना है, 10 की वैल्यू बताना है, 500 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 5000। आपको कितने की वैल्यू बताना है, 10 की वैल्यू बताना है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई 5000 आपकी वैल्यू हो गई। क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट? सर ये 10% कैसा है बोला? 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% डिड नॉट कॉस्ट एंड 10% लोगों ने कॉस्ट वोट दिया ही नहीं था, 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं था। तो मैं वही बोला कि 10% की वैल्यू कितनी है 100, यानी यू समझ सकते हो कि अगर 10% लोग वोट नहीं दिया, यानी 100 अगर टोटल लोग थे तो उसमें से 90 लोगों ने वोट दिया, 100 लोगों ने 10 लोगों ने वोट नहीं दिया हुआ है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यानी ये 90 की वैल्यू दिया हुआ है, यानी 9 की वैल्यू दिया कितना 4500, तो 1 की वैल्यू आ गई 500। आपको निकालना किसकी है, 10 की वैल्यू निकालना। आपको जो फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 10 की वैल्यू, कि अगर ये 10 लोग, ये टोटल 10 है, 10 क्या है टोटल लोगों की बता रहे हैं 100% की, यानी इतने लोगों ने कितना टोटल वोट है, टोटल वोट कितना है, तो हमारे पास टोटल जो वोट हुआ था 5000 हुआ था, उसमें से 500 वोट आपका पड़ा ही नहीं थी, 500 की वोटिंग नहीं हुई थी। क्लियर? समझ में आया? हेलो, यस सर आया। ओके चलो आगे चलें फिर। चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये वोटिंग वाला क्वेश्चन होगा, हम तो कमीशन बेस्ड भी क्वेश्चन करते हैं। कमीशन बेस्ड, ये कमीशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, चलो लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन आता है, तो इसका मैं तरीका बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या अप्लाई करोगे तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा आपके पास। देखो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नोट करो आप लोग। ए सेल्समैन गेट फिक्स्ड सैलरी, अ सेल्समैन गेट फिक्स सैलरी रुपेज 6000। अ सेल्समैन गेट फिक्स्ड सैलरी रुपेज 6000 अप टू द सेल्स ऑफ रुपेज 10000 अप टू द सेल्स ऑफ रुपेज 10000। After this gets 5% commission. After this gets 5% commission. 5% commission. After this gets 5% commission. If total income of salesman is 10000, if total income of salesman is 10000 rupees, then find his total sales. हो गया क्वेश्चन नोट, हो गया। स्टूडेंट यस सर। चलो ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो 80000,
80,000, 1 lakh, 1 lakh, 90,000, 95,000 and 75,000 हो गया लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोले आप 90,000 के बाद 75,000 हो गया चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं सेल्समैन गेट फिक्स से वो 6,000 उसकी फिक्स सेल्स तक दैट मींस इसका सर आपकी वॉइस मार्केटिंग में ब्रेक हो रही है वॉइस ब्रेक हो रही है हाँ सर अभी सही आ रही है क्या हाँ सर अभी आ रही है ओके मैं यही बोल रहा हूँ कि ये मार्केटिंग टाइप का क्वेश्चन है ठीक है ना बहुत सारे लोग मार्केटिंग में जॉब करते हैं तो उसमें मार्केटिंग जॉब में क्या होता है कि आप जितना सेल करोगे उतना कमीशन मिलता है मतलब आपको 18,000 आपकी सैलरी हो गई और उसके बाद जितना सेल करोगे उस पर कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है तो यहाँ पे वैसे ही कुछ है यानी 10,000 तक अगर सेल करेगा कोई प्रोडक्ट है उसको उसकी जो प्राइस है 10,000 तक अगर सेल करता है तो उसकी सैलरी जो फिक्स है उसको 6,000 ही मिलेंगे उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन अगर 10,000 से ऊपर वो बेचता है जैसे 10,000 से जितना भी रुपीज बेचता है ऊपर तो उसमें कितना मिलता है 5% का कमीशन मिलता है उसको क्या मिलता है 5% का कमीशन मिलता है 5% का कमीशन मिलता है अब ये बोल रहा है कि अगर जो सेल्समैन है अगर टोटल 10,000 अगर कमाया है जो इनकम अर्न हुआ है उसका जो इनकम बना वो टोटल कितना बना 10,000 का बना एंड ऑफ मंथ में तो फाइंड टोटल सेल्स तो एक्चुअल में वो कितना सेल किया होगा टोटल उसने कितना सेल किया होगा टोटल कि उसको जो सैलरी टोटल बनी वो 10,000 की सैलरी बनी है तो देखो स्टूडेंट इसके लिए ना आप कुछ मत करो किसी का आंसर भी आया क्या 80,000 अश्रु निशा यस 80,000 रेडमी ओके थोड़ा सा आप लोग कहीं दूर हो 80,000 पे बट थोड़ी से दूर हो चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या एक लाइन बना दो एक लाइन बना यहाँ पे एक मिडिल में एक पॉइंट है वो मिडिल में पॉइंट क्या है 10,000 वाली ये मिडिल में क्या है 10,000 एंड 10,000 तक सेल होगा तो उसको फिक्स सैलरी मिलेगी 10,000 के बाद वाला सेल मिलेगा तो उसे क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा देखो यहां से यहां तक में उसको क्या है 6,000 ही उसकी सैलरी है वो सैलरी क्या है फिक्स है यानी यहाँ से यहाँ तक वो कितना सेल करता है 10,000 का सेल करता है राइट अब इसके आगे कितना सेल किया है ये हमें फाइंड आउट हो जाए इसके आगे हमें कितना सेल किया है ये फाइंड आउट हो जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कितना उसने सेल किया था देखो रेडमी का आ गया 90,000 अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद उनका आंसर क्लियर हो गया तो देखो उसका टोटल इनकम जो बन रहा है वो कहां से बन रहा है यहां से यहां तक का इनकम बन रहा है कितना 10,000 का अगर यहां से यहां तक का इनकम है 6,000 इसका मतलब यहां पे इसने कितना गेन किया होगा 4,000 गेन किया है क्या ओके आप लोग काफी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया तो यहां से यहां तक उसने कितना गेन किया है 4,000 यानी कमीशन उसको कितना मिला है 4,000 मिला है क्या उसको कमीशन जो मिला है वो 4,000 और 4,000 किसके इक्वल है जो 4,000 है वो किसके इक्वल वो 5% के इक्वल है क्या ये तो कमीशन वाला वैल्यू है ना ये 4,000 जो मिला वो है क्या कमीशन ही मिला है ना ये तो इसकी सैलरी थोड़े है 4,000 जो है इसकी सैलरी तो नहीं है ना ये तो इसका कमीशन है और कमीशन कितना मिल रहा है 5% यानी 5% की वैल्यू कितनी हो गई 4,000 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू हो जाएगी 800 आपको क्या निकालना 100% यानी कि ये जो कमीशन कमाया है इसमें 100% यानी 95% तो कंपनी को मिला होगा ना तो टोटल कितना इसने सेल किया होगा 100% सेल किया होगा यहाँ पे इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा ये जो सेलिंग किया होगा 100% की सेलिंग किया होगा जो 10,000 के बाद वाली तो अगर 1% की वैल्यू कितना है 800 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8800 यानी 80,000 की हो जाएगी
यानी यहाँ से यहाँ तक कितना उसने सेल किया,